Good morning, students. Here the topic resources. The topic is in geography, that means sansadhan. Resource means sansadhan. Sansadhan means हमें जो nature के द्वारा प्राप्त होता है, प्रकृति के द्वारा जो भी चीज हमें प्राप्त होता है, उसे हम resource कहते हैं सांसारिक. Early people lived amidst nature. They were unaware of the utilize of gift of nature, like soil, natural vegetation, animals. But as time passed, they now techniques to how transfer the natural resource into items. Become resource. So we can say resource refer to the things that can be transferred into more valuable and useful things to fulfill human needs. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर का इस्तेमाल हम लोग पीने में करते हैं, फल का इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, पत्थर का इस्तेमाल, रॉक्स का इस्तेमाल हम लोग मकान बनाने में करते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव जो है अपने स्किल के द्वारा धीरे धीरे अपने को डेवलप किया और ये नेचुरल रिसोर्स को अपने उपयोगी बनाया. टाइप ऑफ रिसोर्सेस, ये जो रिसोर्स है, संसाधन है, इसको समझने के लिए इसे तीन भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से तीन भाग. देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ रिसोर्स. फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड ह्यूमन रिसोर्स एंड लास्ट ह्यूमन मेड रिसोर्स. तो फर्स्ट हुआ नेचुरल रिसोर्स. जैसा कि नाम है, प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हमें प्राप्त होता है उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. दीज रिसोर्स सच एज लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन, सनशाइन्स एंड फॉरेन फूड्स विच आर डेराइव फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. Natural vegetation classified on the basis of their origin, renewability, development and distribution. On the basis of origin, natural resources can be classified into two forms. First, biotic and abiotic. तो बायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं? बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. दैट मींस लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सभी जो है नेचर के द्वारा प्राप्त होता है और ये सभी लिविंग थिंग्स. इस लिविंग थिंग्स के द्वारा हम इस चीज को लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप के रूप में इसको हम तैयार करते हैं, मेडिसिन के रूप में तैयार करते हैं, लेदर के रूप में तैयार करते हैं. इस तरह से हम देखते हैं कि बायोटिक रिसोर्स जो है ये लिविंग थिंग्स है जो हमें प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा.
नेक्स्ट है एवॉइडिंग रिसोर्स। एवॉइडिंग रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग लाइक वाटर, एयर, विंड, लैंड, ये सभी एवॉइडिंग रिसोर्स। इसके अंतर्गत रॉक्स एंड मिनरल्स भी ऑनली। तो ये जो एवॉइडिंग रिसोर्स है या रिसोर्स है, ये इसको भी इसका भी वर्गीकरण किया गया है। वो वर्गीकरण नवीकरण के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। रिन्यूएबिलिटी के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके दो वर्गीकरण है, इसके दो भाग हैं, क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट हुआ रिन्यूएबल एंड दूसरा हुआ सेकेंड हुआ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जिस रिसोर्स को, जिस संसाधन को हम पुनः नवीकरण कर सकें, उन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकें, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स को रिसोर्स कहते हैं। इस रिसोर्स के अंतर्गत सनलाइट एंड एयर, सूरज की रोशनी और हवा, ये ऐसा रिसोर्स है जो कभी समाप्त नहीं होता। ये नॉट एक्सहॉस्टेड, ये तो अन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके अंतर्गत आया सनलाइट, ये दो चीज ऐसा है जितना भी हम इसका इस्तेमाल करें ये कभी समाप्त नहीं होता, ये नॉट एक्सॉस्टेड। इसलिए ऐसे रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो रिसोर्स है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कोल, नेचुरल गैस, ये ऐसा रिसोर्स है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, जिसे ज्यादा इस्तेमाल करने पर, एक्सेस इस्तेमाल करने पर ये समाप्त हो सकता है और फिर इसका हम नवीकरण नहीं कर सकते। नवीकरण करने में, इसका रिन्यूएबल करने में इसे सैकड़ों वर्ष लग सकता है। इसलिए इस प्रकार के रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब है कि रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंट उसका कैसे है, उसका विकास कैसे होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स तो डेवलपमेंट में हुआ विकास। विकास के दृष्टिकोण से रिसोर्स को हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट हुआ पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, और सेकेंड हुआ एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स एंड एक्चुअल रिसोर्स इन द टू
प्रॉब्लम है। तो पोटेंशियल रिसोर्स उस रिसोर्स को कहते हैं जिसको हम यूज तो करते हैं लेकिन बिल्कुल पोटेंशियल रूप में नहीं, यानी समुचित रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, भविष्य में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे रिसोर्स को, ऐसे संसाधन को पोटेंशियल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका का वाटर, वहां बहुत सारे वाटर जो वाटरफॉल से बिजली तैयार होती है, लेकिन आज के समय में, अभी प्रेजेंट समय में, वहां पर यह व्यवस्था रुकी हुई है। भविष्य में ये व्यवस्था फिर से हो सकता है, इसलिए ऐसे रिसोर्स को जो है वहां पर पोटेंशियल रिसोर्स के नाम से जाना है। दूसरा है एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा है एक्चुअल रिसोर्स, इसका हिंदी हुआ वास्तविक संसाधन, वो संसाधन जो हमें निश्चित रूप से प्राप्त है, जिसको हम जान रहे हैं ये हमें निश्चित रूप से अवेलेबल है। ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स, जैसे कि विंड, हवा। हवा जो है ये ऐसा रिसोर्स है, जोर की हवा, जहां पर जोर की हवा चलती है वहां पर विंड मिल लगाया जाता है। और ये विंड मिल जो है दो कंट्री, नीदरलैंड और अपने इंडिया में तमिलनाडु, ये दो जगह ऐसा है जहां पर विंड मिल बहुत ज्यादा काम है। और ये विंड मिल जो चलता है ये एक्चुअल रिसोर्स डेट मीन्स विंड के द्वारा चलता है। तो इस तरह से आज हम इस रिसोर्स के बारे में आपको बताए, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स जो डेवलपमेंट के रूप में आता है। थैंक यू।